प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस एन अपडेट। वेलकम बैक न्यू स्कैरी बादल ब्लॉग में। हर बार की तरह इस बार भी आप सबके लिए कुछ नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम कोणार्क उड़ीसा में है, कोणार्क मंडल में। चलिए यहाँ के बारे में क्या क्या है सब आप सबको हम बताते हैं। चलिए गाइस, हम सब जा रहे हैं उड़ीसा में। यार देख सकते हैं सामने वहाँ पर मंडल था, चलिए देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट भी बहुत सारा लगा हुआ है, बहुत मेला भी लगा हुआ है। चलिए आप सबको और भी कुछ है वो भी आप सबको दिखलाते हैं, यहाँ पर क्या क्या है वो आप सबको चलिए गाइस बताते हैं। चलिए गाइस हम सब जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक चश्मा का दुकान है, वो भी देख सकते हैं कितना रुपये का, वो भी पूछ ले दो थोड़ा। 120 का एक, कैसे कितने का पड़ेगा? 120 कौन सा है? चलिए गाइस हम सब जा रहे हैं, इसके बाद वहाँ पर जाके क्या है आप सबको वो भी दिखलाएंगे। फाइनली हम सब जा रहे हैं यहाँ पर टिकट कटाने के लिए। टिकट कटाने भी ज़रूरी है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं, टिकट का गेट यही है। और चलिए आप आगे जाके टिकट कटाते हैं, देख सकते हैं एंट्रिंग करने के लिए टिकट ले यहाँ से ले रहे हैं। चलिए गाइस देख सकते हैं यहाँ पर, और आप सबको और भी दिखलाएंगे टिकट लेके यहाँ पर क्या क्या है। चलिए गाइस देख रहे हैं आप, लाइन में लग चुके हैं, चलिए आगे जा रहे हैं देख सकते हैं। चलिए गाइस हम सब मंडल देखने के लिए अंदर आ चुके हैं टिकट कटा के, और इसके बाद आप सबको कोणार्क सन टेम्पल का क्या खास है तो वो भी आप सबको बताएंगे। और इतना फेमस का है वो भी आप सबको, उड़ीसा का बहुत फेमस है का ही फेमस, वो भी आप सबको बताएंगे आगे जाके। तब तक चलते हैं आगे। चलिए गाइस देख सकते हैं कितना आदमी भीड़ है, चलिए देख सकते हैं गाइस जा रहे हैं अंदर मंडल की ओर। चलिए चलिए गाइज कोणार्क सन टेम्पल का खासियत आप सबको बताते हैं। इसका ये खासियत है सो मंडल का सबसे ऊपर वाला जो स्तंभ रहते हैं उस पर सबसे पहले लाइट पड़ते हैं, इसके बाद सन का लाइट पड़ता है, इसके बाद कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं, इसके बाद दूसरे स्थान पर जाते हैं। और चलिए गाइज इसके बाद मंडल का और भी क्या खासियत है आप सबको भी जान के, और इसके बाद इधर वो भी आप सबको बताएंगे, और इधर का भी आप सबको भी दिखलाएंगे। देख सकते हैं पीछे में धर्मेंद्र जजा भी है, और चलिए आगे जाके आप सबको क्या क्या गार्डन वो भी दिखाएंगे। चलिए गाइज मंडल के पीछे में क्या क्या वो भी सब आपको भी दिखलाते हैं। देख सकते हैं मंडल के पीछे में कितना और कितना अच्छा लग रहा है गार्डन पीछे में देखने में, और इधर का भी और भी दिखलाते हैं क्या क्या यहाँ पर। चलिए गाइज जा रहे हैं हम सब, और देख सकते हैं चलिए जा रहे हैं हम सब देखने के लिए क्या क्या इधर का भी और क्या क्या कुछ भी रहेंगे यहाँ पर, क्या क्या देखने के लिए मिलता है वो भी देखते हैं। चलिए गाइज एक और चक्र आ चुके हैं, देख सकते हैं मंडल के चारों ओर यही चक्र लगा था जो आप दिखे थे। चलिए गाइस हम सब जा रहे हैं, देख सकते हैं एक और मूर्ति है किसी भगवान का होगा शायद, लग रहा है मंडल के चारों ओर ये भी है, ये भी थे शेर टाइप का लग रहा देखे में। चलिए आगे जाकर आप सबको और भी दिखलाते इधर का क्या है, देख सकते हैं इधर का गार्डन यही है, और देख सकते कितना आदमी सब है। चलिए चलिए गाइस ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।